वो भाई इसको तो लेके जाओ। दिल दहला देने वाला ये वीडियो गुजरात के भरूच जिले में स्थित विशेष औद्योगिक क्षेत्र दहेज का है। एक केमिकल फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में झुलसा ये मजदूर किसी तरह बाहर सड़क तक पहुंचा और मदद की गुहार लगाने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कंपनी के सुरक्षा गार्ड भी उसे मदद करने से बच रहे हैं और उसके करीब नहीं जा रहे हैं। जिस समय पूरे देश में एक गर्भवती हथिनी की मौत को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक तूफान मचा था, उसी दरमियान गुजरात में यह भीषण विस्फोट हुआ। तीन जून की सुबह यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट के स्टोरेज में विस्फोट हुआ था। उस समय प्लांट में 200 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। विस्फोट इतना तगड़ा था कि इसकी आवाज 20 किलोमीटर तक सुनाई दी और आसपास के प्लांटों की दीवारों में भी दरार आ गई। इस दुर्घटना में अब तक मरने वालों की संख्या 10 हो गई है और 50 से अधिक झुलसे मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। आग इतनी जबरदस्त थी कि 5 घंटे तक राहत और बचाव कर्मी प्लांट के अंदर नहीं जा पाए। पड़ोस के 2 गांव लाखी और लुवारा को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। आसपास जहरीला केमिकल फैल गया है, जिसका असर कुछ दिन तक और बने रहने की आशंका है। जिस समय विस्फोट हुआ उस समय कंपनी में न तो कोई एम्बुलेंस थी और न ही सुरक्षा के कोई अन्य उपाय। आग से झुलसे इस मजदूर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो बदहवास होकर कंपनी से बाहर सड़क पर निकल आया। राहगीर कंपनी की जवाबदेही के बारे में भी सवाल करते हैं, लेकिन एक घायल व्यक्ति के साथ कंपनी के सुरक्षा अधिकारियों का रवैया बेहद अमानवीय बना रहता है। भाई बैठ आराम से, बैठ तू वहां पे, इसको ले यार। वो मजदूर लगातार मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन न तो उसके लिए कोई स्ट्रेचर, न फर्स्ट एड और न ही एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाता है। ले एम्बुलेंस लाओ यार, मर जाएगा आदमी यार। तुम लोग कितने आदमी अभी अंदर? कितना आदमी टोटल है तेरा? इस फैक्ट्री में अधिकांश वर्कर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर हैं। लॉकडाउन में भी काम कराए जाने से पूरे देश में प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया था, लेकिन सरकार और कंपनियों की मनमानी की कीमत आखिरकार दर्जनों मजदूरों को चुकाना पड़ा है। मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया किस तरह हमारे दिमागों को नियंत्रित करते हैं और कैसे हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, ये खबर इसकी एक वानगी भर है। इस खबर को तो पहले मुख्यधारा की मीडिया में दबा दिया गया, लेकिन सोशल मीडिया के खिलाड़ी भी इसे पचा गए। न तो सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलियों का तांता लगा, न मानवता प्रेमी लोगों का दिल पसीजा। हालांकि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के लिए इस कंपनी को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है और कंपनी ने सभी मजदूरों के इलाज और मुआवजे की बात कही है, लेकिन 10 मजदूरों की मौत की जवाबदेही किसकी है, ये प्रश्न यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ये दुर्घटना गुजरात मॉडल का एक नमूना है। कहा जा सकता है कि गुजरात प्रवासी मजदूरों का कब्रिस्तान बन चुका है।